हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे हैं। आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रैंक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसका नाम है मसूख स्टेट एजेंट। तो बहुत ही फनी और कॉमेडी वीडियो है, तो ये वीडियो देखिए आखिर तक और इसका रिएक्शन आखिर में देता हूँ, ठीक है? वीडियो स्टार्ट करते हैं। अबे अहमद भाई, बस उल्टी हुई है। बस उल्टी है, अखबार उल्टा पकड़ा है। अखबार उल्टा है? अच्छा, ये क्या कह रहा है? ये अंकल आए किराए के मकान के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, बैठे बैठे शुक्रिया अदा कर देना। क्या नाम था? फरहान भाई का। फरहान भाई, फरहान भाई का शुक्रिया अदा कर देना जी भैया। अच्छा, यहीं पे वाई सेक्टर में। वाई सेक्टर में रेंट पे चाहिए ना आपको? वाई सेक्टर में 5 कमरों में चल जाएगा? नहीं, आप यूज, आप 3 यूज में रखिएगा, 2 कमरे हमारे यूज में होंगे। असल में वो सुने मेरी बात, 2 कमरे जो है ना, उस पे एक कमरे में हम शराब का अड्डा और एक कमरे में हम नोट छापने की मशीन हैं। फैमिली के लिए चाहिए, 3 कमरे आपके यूज में होंगे, 2 कमरे कुप्पी का अड्डा। वो देखिए, वो हमारा ही, हमारे बंदे होंगे, वो रास्ता भी अलग होगा, उसके दरवाजा भी बंद होगा, बहुत बड़ा ताला लगा दूंगा, वो वाला, वो जो अपना इतना बड़ा ताला नहीं होता, वो जो गोल गोल घूमता है, वो वाला ताला लगा दूंगा। आप नहीं आएंगे, फैमिली को पता भी नहीं चलेगा यार। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आप बोलना शराब नहीं है, ये रुअफजा बन रही है। दुकान कैसे चले? अच्छा, चश्मा कैसे पहना हुआ है? 20x12 की दुकान चाहिए, जनरल आइटम के लिए। तकरीबन इतनी बड़ी चाहिए जितना हमारा ऑफिस है। क्या चीज खोल ले? जनरल आइटम रखता है। जनरल आइटम रखता है भजन, एक ऑफर है मेरे पास, समझ रहे हो बात को? मैंने कहा पहले आपको दे दूं, लेकिन किसी को बताना नहीं। वो दुकान तो आपको खुलवा देने, दुकान का एडवांस वगैरह सब माफ़ करवा दूंगा मैं, समझ रहे हो बात को? डायरेक्ट अपना माल डालो, खोलो। हाँ, लेकिन कुछ सामान मेरा भी पड़ा हुआ होगा दुकान पर हैं, कुछ 2-3 बोरियाँ पड़ी हुई होंगी, वो आपका ताल्लुक नहीं है, वो मेरा बंदा आएगा, वो आके बोरियाँ अपने टाइम पर ले जाया करेगा, लेकिन खामोशी से उसे दे देना, समझ रहे हो बात को? ज्यादा से ज्यादा पुलिस का छापा पड़ेगा। यार, दुकान तो चल रहा होगा अपना, आपका भी चीनी आटा वाटा तेल डाले और चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी भी तिकड़म चल रही है ना भाई। ऐसे नहीं यार, ऐसे कैसे? ऐसे कैसे क्या मतलब है मेरे भाई? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, 20 किलो अफीम है। अरे अरे, अब और बाकी पाउडर इम्पोर्टेड। ये उसका इससे मिला हुआ है, वो आदमी को लेकर आ रहा है, हाँ सामने दिखा के उसके सामने बेच रही है, बाहर से पकड़ के लेके आ रही है, बेच रही है। क्या चाह रहे हो भाई? अच्छा, सेक्टर आ रहा है, कितने फिट रोड का भैया? डिमांड क्या है यार? डिमांड ज़्यादा नहीं कर रहे? बिल्कुल जासूस की तरह लग रहा है। मोबाइल निकाला, मोबाइल। हेलो, हाँ अयाज हीटर। यार ये एक फाइल आई हुई है, ये अपना सेक्टर कौन सा? R1। ये अपने काम की है, चलो मैं बात कर लेता हूँ बाकी से। भजन, पेमेंट आपको मिल जाएगी, लेकिन करना ये है, जो मैं बात कह रहा हूँ ना, वो हम तीनों में ही रहेगी तो अच्छा है, फायदा भी होगा। डरा दिया पहले ही, आदमी जमा क्या है, क्या हो सकता है? पेमेंट हम आपको करेंगे, लेकिन घर में आपने रहना, ये घर बेचिएगा नहीं।
करेंगे नहीं, असल में इस घर में हम बनाएंगे सुरंग। इस बात की सुरंग भाई है, इस घर से सुरंग बनाएंगे हम, सेंट्रल जेल पे जाएगी, आपके घर से निकालेंगे, किसी को पता ना, समझ रहे हो बात को, और वो सेंट्रल जेल से सुरंग निकलेगी शाही किला, शाही किला से लेफ्ट पे जा रही है मोदी के घर पे, मोदी के बेडरूम में निकल। सेंट्रल जेल क्या हो गया भाई, कैसे बात कर रहा है, हमें लोग रहते हैं, हमें इसी सेक्टर में एक घर चाहिए था जिसको हम सुरंग खोदे। आपको घर मिलने का मतलब भाई हमारे इस घर के, हमारे ये नहीं काम, हम नहीं देते इस घर में। यार आप फरहान भाई को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो, फरहान भाई का खुद दो कमरों में हमने अपना अपना मुजरे का सेटअप खुला हुआ। तो आपको कमरा हम दे रहे हैं ना, एडवांस मेरी बात सुनो, नहीं नहीं एडवांस आप मुझे दे रहे हैं ना, एडवांस दे रहे हैं, एडवांस एडवांस नहीं चाहिए, एडवांस नहीं देना, बगैर एडवांस के आपको एंट्री दे रहा हूँ। नहीं नहीं अगर पुलिस ने आपको पकड़ा तो आपकी फैमिली की जो भी किफालत है वो हम करेंगे, वो हमारा सामान पड़ा होगा, वो आपका ताल्लुक नहीं है, वो एक साइड पे हमने खोपचे में रखा हुआ होगा, वो नजर भी नहीं आया। पुलिस का छापा पड़ जाएगा, देखो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर पुलिस का छापा पड़ा सारे सेंट्रल जेल में है मेरे एज अ कैदी, आपको सब फैसिलिटीज दूंगा वहाँ पे। ऐसी क्या बात कर रहा है, मेरी बात समझे आप, मेरी बात समझे, उसमें एक बंदा आएगा, वो कोड वर्ड होगा, वो सामान उठाएगा, बोरी उठाएगा और बोलेगा आपको चुक लिया कुत्ते, आपने कहना थैंक यू और वो निकल जाएगा। कुत्ते उत्ते किसको कह रहा है, पुलिस को बुलाओ क्या? नहीं, कोड वर्ड होगा, आपको नहीं कह रहा है, उसने बस ये कोड वर्ड है, वो थैली उठा ली और फिर उसने कहा चुक लिया कुत्ते, ताकि पता ना चले ना कि वो, अब लोगों को पता चलेगा कि लैंडी कुत्ता लेके जा रहा है। कुत्ते कैसे बोल दिया जान, स्मगलिंग होगी उसमें और बहुत कुछ होगा, करोड़ों रुपए का प्रॉफिट है। मेरी बात सुने ना, मेरी बात क्या, बात सुने आप, क्या पुलिस को फोन, क्या पुलिस को फोन कर, मेरे भाई मेरी बात सुने, क्या पुलिस को बुला, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा और मेरा राज है, तुम्हें भी गड़वा दूंगा मैं बोलूंगा तुम भी साथी हो मेरे, समझ रहे हो बात, ये डर गया। अभी क्या फोन करते हो यार, मैं दुकान चाहिए ना, दुकान दिलवा रहा हूँ बगैर एडवांस के, वरना 2 लाख रुपए एडवांस है दुकान का, मैं वो दे दूंगा, तू ये बातें ना कर, क्या ये बातें ना कर, क्या आपको एडवांस से बचा दिया ना, कुछ तो काम करो। नहीं नहीं मैं पुलिस को, भाईजान 2 महीने का काम है ये, सिर्फ 2 महीने का, उसके बाद नहीं करेंगे हम आपसे, 2 महीने का काम है। अच्छा एक काम करो, उन 2 कमरों में से 1 कमरा यूज कर लेते हैं, शराब का अड्डा कैंसिल, नोट छापने की मशीन का गेम ऑन है, हम 3-4 करोड़ रुपए छाप के वो भी बंद कर देंगे, सही है, तो इतना कर लो, अब इतना चचा इतने नखरे ना करो भाई, क्या चाहिए नहीं, नहीं मुझे चाहिए नहीं, मेरी बात सुने ना, अच्छा 3 कमरों का ही दे देता हूँ, अच्छा मेरी बात सुनो, अच्छा मेरी बात सुनो, मजाक कर रहा हूँ सर, मेरी बात सुनो, मजाक कर रहा हूँ, अच्छा नहीं लो, मजाक कर रहा हूँ, सुन लो 1 मिनट के लिए बात सुन लो, मजाक कर रहा हूँ, कैमरा लगाया हुआ, इधर आओ, वो देखो कैमरा लगाया हुआ, ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, मैं स्टेट एजेंट नहीं हूँ, फरहान भाई ने रेफर किया है ना, मेरी बात सुनो, फरहान भाई ने रेफर किया है, फरहान भाई आपको देंगे जो भी किराए पे दे रहा है, मैंने मजाक किया आपके साथ, आई एम सॉरी, ये बोल दे P4 पका को सब्सक्राइब करो, है बिल्कुल ठीक का, 1 महीने के लिए कर ले एग्रीमेंट, नहीं 1 महीने के लिए नहीं भाई, तू कैसी बात कर रहा है यार, कैसी क्या बात कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये देखो आपकी नाक, अल्लाह माफ कर, ओमपुरी जैसी नाक, तुम तो यार समझ ही नहीं रहे यार, क्या हो गया तुमसे यार, क्या हो गया यार, यार 1 सेकंड मेरी बात सुनो, गटर का पाइप डलता है तो सुरंग नहीं कुत्ती, गटर का पाइप डलता है, आपको पैसे दे रहा हूँ ना इसके, अच्छा बात सुने, अच्छा मेरी बात सुने, मजाक कर रहा हूँ, इधर आओ, बात सुनो, मजाक कर रहा हूँ भैया, भाई मुझे नहीं चाहिए दुकान, भाई अपने पास रखो, क्या हो गया, अच्छा बात सुनो, इधर आओ, मजाक कर रहा हूँ, बात सुनो, इधर आओ, कंप्लेन करूंगा मैं, क्या कंप्लेन करोगे, इधर बात सुनो, मजाक कर रहा हूँ भाई, मेरी बात सुनो, वो देखो वो क्या रखा हुआ, वो टेबल पे हमने क्या रखा हुआ, कैमरा है भाई, मजाक कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको दुकान चाहिए, स्टेट एजेंट आगे बैठे हुए, मैं आपको दुकान दिला देता हूँ, ये हमने मजाक किया, मजाक कर रहा हूँ, इधर तो आओ, इधर तो कैमरा,
कैमरा लगा हुआ है, मेरी बात सुन लो, वो देखे भाई, वो देखो कैमरा लगाया हुआ, मजाक कर रहे हैं, कोई सुनेंगे नहीं खुद नहीं यार, आपको थोड़ा सा डरा रहे थे, मजाक कर रहे हैं भाई, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, ये बोल दे पी फॉर पकाओ को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो खत्म हो गया, आप लोगों को कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, नागपुरी ओमपुरी के जैसा है, बहुत ही जबरदस्त प्रांग बनाया है इसने, तो इसका जो रोल होता है ना पूरा जब उसी जो जिस टॉपिक में वो वीडियो बनाते हैं पूरा उसी टॉपिक के हिसाब से वो रोल करते हैं, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा रोल करते हैं। आप लोगों का अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।